हेलो मैकेनिक दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास है TVS XL सुपर 75 cc वाली टू स्ट्रोक मोपेड मेरे पास आई है। ज़्यादातर इस मोपेड का हम वीडियो शूट करते नहीं हैं, बट क्या है कि जब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है ख़ास तौर पर स्टार्टिंग के रिलेटेड, तो आज मेरे पास यह मोपेड आई है। कस्टमर लेके आए हैं, 2-3 मैकेनिक से रिजेक्टेड है, क्योंकि जो भी आप सभी मैकेनिक भाइयों को पता है कि मेरी जो वीडियो होती है कंप्लीट प्रूफ के साथ होती है। तो चलिए आपको प्रूफ दिखाते हैं कि क्यों रिजेक्ट होकर आई है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाया जाए तो इसके कार्बोरेटर वगैरह नया असेंबल किया गया है। आपको पार्ट नंबर दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे इसका पार्ट नंबर का बैजिंग लगा हुआ है। कार्बोरेटर नया लगाने के बाद फिर से क्लीनिंग हुआ है। इसके करंट रिलेटेड, इसके एग्जॉस्ट रिलेटेड, इसके ईयर फिल्टर रिलेटेड सारा चीज़ कर लिया गया, फिर भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता है। कभी भी 10 किक से पहले स्टार्ट होती है नहीं। तो आज इस वीडियो में आपको 10 से 12 ऐसे ऐसे टिप्स बताएंगे, जिसके बाद वो सारे टिप्स को अप्लाई करने के बाद टू स्ट्रोक की प्रॉब्लम 100% जड़ से ख़त्म हो जाती है। और स्टार्टिंग प्रॉब्लम के रिलेटेड जो ज़्यादातर मुझे इंक्वायरीज आते हैं, कॉल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनका सारा आज सोल्यूशन निकालेंगे कि करंट ना आए तो कहाँ से चेक करना चाहिए, कंप्रेशर रिलेटेड क्या चीज़ चेक करना चाहिए, स्टार्टिंग, मिसिंग, पिकअप, सारे चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो एंड तक बने रहिए, टू स्ट्रोक का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको किक का अप्लाई करके दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मैकेनिक भाइयों को बताते चलें कि इंडिया के इकलौते मैकेनिक ऐप यानी मैकेनिक टीवी के ऊपर चल रहा है सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट, जिस कॉन्टेस्ट का नाम है जो जीता वही सिकंदर। तो इस पे आपको क्या है कि सिर्फ आपके अकॉर्डिंग, यानी आप जिस भी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो बाइक संबंधित हो, चाहे आप जिस भी रिलेटेड मैकेनिक है बाइक या स्कूटर या फिर जो है फोर व्हीलर या टू व्हीलर का, तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो शूट करके एक ऐसा कॉन्टेंट यानी एक ऐसा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें जो हमारे व्यूवर्स या फिर आपके जो चाहने वाले हैं उनको इंटरेस्टिंग लगे और उनसे उसको कुछ सीखने को मिले। तो उस रिलेटेड वीडियो शूट करके उसका सोल्यूशन निकाल के मैकेनिक टीवी को प्रोवाइड कीजिए। अगर आप अच्छे से वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं और व्यूवर्स को अच्छे लगते हैं, उनके आपके वीडियोस में ज़्यादा व्यूज जाते हैं, लाइक जाते हैं, तो आप रहेंगे मेन विजेता। और मेन विजेता का यहाँ बहुत ही बड़ा प्राइस मिलने वाला है। तो आप अगर अभी तक कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिए तो जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कीजिए, और वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो और भी मैकेनिक भाइयों को बताइए कि वीडियोज अपलोड करें और ये जो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है इसमें भाग लें और हिस्सा बन के और जीतें बड़ा और खास इनाम। तो चलिए फाइनली मोपेड को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और अभी तक इसका क्लैंप वगैरह भी प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है, यानी एग्जॉस्ट वगैरह भी कंप्लीट क्लीनिंग हो चुका है। तो अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग रिलेटेड बात करेंगे, ना कि किक प्रॉब्लम, ना कि मिसिंग प्रॉब्लम, ना कि इसके पिकअप प्रॉब्लम, क्योंकि इन सारे चीज़ों के ऊपर अलग से वीडियोज़ बना रखे हैं। बहुत सारे इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है सोल्यूशन के रिलेटेड, तो नहीं देखें नीचे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में या कमेंट बॉक्स में आपको वीडियोज़ मिल जाएगा। चलिए आपको फाइनली स्टार्टिंग प्रॉब्लम के रिलेटेड इसके बात करते हैं कहाँ कहाँ से स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है इस 70 सीसी में कंप्लीट सोल्यूशन, क्योंकि इसके रिलेटेड जो है ना बहुत सारे चीज़ों से मैं फेस कर चुका हूँ कि कब कब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम होता है। और ज़्यादातर मैकेनिक इस मोपेड को रिपेयर करने से कतराते हैं, उनका कहना होता है कि जो टू स्ट्रोक है ये पॉसिबल नहीं होता रिपेयर करना। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं अभी किस तरह से क्रिएट करें स्टार्टिंग प्रॉब्लम, कहाँ कहाँ से स्टेप यूज करेंगे। क्या है अभी देख रहे हैं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है। अब जैसे इसका चॉक अप्लाई करेंगे क्या होगा, इसके ईयर फिल्टर में ऑयल चला जाएगा, यानी ओवरफ्लो हो जाएगा, ऑयल चला जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। चलिए आपको हम ओपन करके दिखाते हैं, कार्बोरेटर गाड़ी में नया असेंबल हुआ है। तो कार्बोरेटर इसके राइट साइड में होता है, किक इसके लेफ्ट साइड में होता है, टू स्ट्रोक की मोपेड है। तो इसे ओपन करते हैं, सबसे पहले कार्बोरेटर, कार्बोरेटर में इशू होगा तो सही, नहीं तो इसके रीड वाल्व भी ओपन करेंगे। रीड वाल्व कहाँ होता है टू स्ट्रोक के बाइक में और कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए इसे सारे चीज़ों को ओपन करते हैं, इसके पैनल वगैरह को, और फाइनल आपको टॉपिक के ऊपर फोकस करके दिखाते हैं, क्योंकि 10-15 स्टेप यूज करेंगे तो क्या होगा, वीडियो लंबी होगी। तो स्टार्टिंग का सोल्यूशन निकालने के लिए स्टेप शुरू होता है यहाँ से। जब भी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होकर आती है, सबसे पहले इसका एयर फिल्टर ओपन कर लेना है। एयर फिल्टर के लिए 2 स्क्रू इस जगह पर ऊपर होता है, और इसके दोनों स्क्रू को ओपन करना है। दोनों स्क्रू को ओपन करने के बाद एक स्क्रू यहाँ पे होता है, इसे ओपन करना है। अभी मैंने चॉक अप्लाई नहीं किया, वरना फिर आपको दिखाते हैं एयर फिल्टर में किस तरह से इसका ऑयल आता है। 10 किक अगर आप रेगुलरली इसका चॉक के साथ अप्लाई करते हैं, इसके एयर फिल्टर वाले इस वाले एरिया में ऑयल आ जाता है। जब सबसे पहले स्टार्टिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना हो
तो इसके ईयर फिल्टर को ओपन करने के बाद इस तरह से तीन उंगली लेना है आपको इस तरह से, और इसके बैक साइड पे इस तरह से रखना है, और फिर आपको थोड़ा सा थ्रोटल खींच कर गाड़ी को स्टार्ट करना है। पहला स्टेप यह है। फिर अगर भी उसके बाद भी स्टार्ट ना हो फिर दूसरा स्टेप आपको यूज क्या करना है और प्रॉब्लम कहाँ से होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको कार्बोरेटर को यहाँ से ओपन करना है। बहुत बार क्या होता है कि मोपेड स्टार्ट होती है, कमेंट के ऊपर अकॉर्डिंग बना रहे हैं वीडियो ताकि आप लोग का कभी भी प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से आप निकाल सकें। ये देखिए जैसे इसके ओपन करेंगे, जब गाड़ी एक बार स्टार्ट हो रही है और भद भद इस तरह से करके बंद हो जा रही है, तो आपको हम बताते हैं क्या करना होता है, कहाँ से प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर यही फेस मैंने किया और आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। तो उसके बाद क्या करना है, जब इसे ओपन कीजिएगा, ये देखिए इस वाले रबर को यहाँ पर से निकाल देंगे, और यहाँ पे एक कट बना हुआ है, ये देखिए एक कट, ये ऊपर कट लगता है। फिटिंग के दौरान बहुत से मैकेनिक उल्टा लगा देते हैं जब प्रॉब्लम फेस होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखें एक हॉल आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, ये हॉल, तो इस वाले एरिए में कार्बोरेटर का रबर कट जाता है। जब यहाँ से ईयर अंदर जाने लगता है उस सिचुएशन में गाड़ी हमारी भद भद इस तरह से करती है, मिसिंग करती है। तो उसके लिए क्या करना, सबसे पहले इस तरह से उंगली से इस वाले रबर को निकाल लेना है। ये कंपनी फिटेड है, देख पा रहे हैं पार्ट नंबर भी नहीं गया है तो इसलिए अभी नहीं निकल रहा है। चलिए इसको निकालते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो ये रबर है और यह रबर इस वाले सिरे से कट जाता है, यहाँ पे जो आपको हॉल दिख रहा होगा इस वाले सिरे से कट जाता है। तो नॉर्मल क्या करना है, जो कट वाला भाग हो इसको अपोजिट कर देना है और जो बढ़िया वाला भाग हो इस वाले हॉल के पास लगा देना है। ये हुए कुछ स्टेप। अब आपको बताते हैं, फिर भी अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम ना हो तो कम्प्लीटली कार्बोरेटर आपको ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए इसका असेंबल करके कम्प्लीटली कार्बोरेटर ओपन कर लेते हैं। तो कार्बोरेटर को ओपन करने के बाद इसके बैक साइड दो स्क्रू होता है, तो इसको फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोनों ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद आपको स्लो जेड और मेन जेड की जानकारी देते हैं कि कहाँ से इसका स्लो जेड और मेन जेड क्लीन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है 100% स्टार्टिंग के रिलेटेड। तो इसके दो स्क्रू को ओपन करते हैं। जब ओवरफ्लो का प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप सभी मैकेनिक भाइयों को अच्छी तरह से पता है कि इसके फ्लूइड पिन को चेक करना चाहिए, बट जब स्टार्टिंग प्रॉब्लम करना है कर रही गाड़ी पिकअप नहीं बना रही है तो इसके मेन जेड को, और जब गाड़ी मिसिंग करके आइडलिंग में ना रुक रही हो तो इसके स्लो जेड को। तो और अदर बाइकों से अगर कंपेरिजन किया जाए इस 70cc के मोपेड को, तो ये ज़्यादा क्रिएट करती है प्रॉब्लम। और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, जब तक आप इसके स्लो जेड और मेन जेड में वायर का अटैचमेंट नहीं कर देते, वायर को इधर से उधर पास नहीं कर देते, जब तक इसका सोल्यूशन सही से निकल नहीं पाता है। तो इसके जेड को ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं किस तरह से वायर का अटैचमेंट करना है, या फिर हाई प्रेशर ईयर का इसके अंदर जाना चाहिए फ्लो। अगर आप प्रेशर के साथ इसके अंदर ईयर का फ्लो भेजते हैं जब इसका क्लीनिंग एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाता है, तो इसके स्लो जेड और मेन जेड में किस तरह से वायरिंग का असेंबल करना है उसके बारे में बताते हैं। तो ये इसका मेन जेड है, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि ये एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन है उसके बावजूद भी इसे असेंबल ना करें जब तक कि इसके अंदर आप वायर ना अटैच कर दें। वायर जब इसके अंदर आर पार प्रॉपर तरीके से हो जाए, जब आपको संतुष्टि हो जाना चाहिए कि ये एकदम क्लीन हो चुका है, वरना बहुत से बार इसके अंदर डस्ट पार्टिकल रह जाता है। ये कुछ इस तरह से वायर का टुकड़ा होता है, इसको इस साइड से उस साइड एकदम अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से क्लीन कर लेना है। ये इसका मेन जेड प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गया कि इसके अंदर वायर जा रहा है। अब इसका स्लो जेड में थोड़ा सा टफ होता है वायर का डालना, बट इसके अंदर भी आप वायर जब तक डालना लें कार्बोरेटर को असेंबल ना करें। तो चलिए इसको वायर को अटैच करके आपको दिखाते हैं, इस साइड से उस साइड जाएगा ये, ये देख पा रहे हैं कम्प्लीटली चला गया है। थोड़ा सा और बाकी है, तो बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त के बाद देख पा रहे हैं इसके अंदर भी मैंने वायर का अटैचमेंट कर लिया है, यानी इसका स्लो जेड और मेन जेड प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है। तो आपने ये सारे स्टेप जो यूज करने के बाद प्रॉब्लम कभी नहीं करेगी कार्बोरेटर रिलेटेड। यहाँ पे इसका जो रबर को इधर से उधर पलट देना है, इस वाले हॉल से इस साइड कर देना है, कट जाता है रबर, आप ओपन कीजिएगा आपको दिख जाएगा। और इसके दोनों जेड को क्लीन करना है, और अच्छी तरह से इसको वॉश करने के बाद प्रेशर के साथ एकदम क्लीन करना है हवा के साथ। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है तो इसके रीड वाल्व के ऊपर जाना है। रीड वाल्व जब इसका प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो क्या होता है, सडनली पिकअप नहीं बनाना, धीरे धीरे करके पिकअप बनाना, नया क्लच होजिंग या फिर सेंटर डाल देने के बाद, क्लच शू डाल देने के बाद भी पिकअप नहीं बना रही है, तो इस वाले जो रीड वाल्व होते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम होता है।
चलिए रेड वाल्व भी ओपन करके इसके ऊपर एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको कभी भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। तो इसे ओपन करने के लिए 2 4 mm एलकी का बोल्ट है, इसे ओपन करना पड़ेगा और आपको अंदर के बारे में बताते हैं कि क्या क्या इसके अंदर खास है और जब भी आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो किस तरह से इसको रेजी बॉन्ड की मदद से अटैच कर देके चिपका देना है ताकि फिर प्रॉब्लम ना करे। करंट रिलेटेड भी वीडियो बना है, करंट को कैसे चेक करना है या किस तरह से मैग्नेट कोयल ख़राब होता है तो लगाना है, वीडियो देख सकते हैं। अभी स्टार्टिंग रिलेटेड बात कर रहे हैं तो चलिए इसके रीड वाल्व को ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले आपको बताते चले रीड वाल्व जो हमें ओपन करने की आवश्यकता पड़ती है, इसके अंदर क्या होता है जो पतले पतले प्लेट बने होते हैं उसके अंदर डस्ट पार्टिकल जाके बैठ जाता है, उस रीज़न से कंप्रेशन गाड़ी का बन नहीं पाता, किक एकदम नॉर्मल चला जाएगा, लगेगा कि एकदम रिंग बैठ गया है, बट वैसा होता नहीं। एक बार आप रीड वाल्व ओपन करके देख लीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इसके बोल्ट होते हैं एलकी का। चलिए इसे बाहर ले लेते हैं। ये सारा स्टेप यूज करिएगा ना तो स्टार्टिंग रिलेटेड फिर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, आप बेफिक्र हो सकते हैं। और हाँ, कार्बोरेटर ख़राब हो गया हो तो फिर ये सारा स्टेप आपका काम नहीं करेगा, कार्बोरेटर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि फिर कार्बोरेटर ख़राब है या सही कैसे पता करें, वो जब सारा स्टेप यूज करने के बाद भी एकदम स्टार्टिंग प्रॉब्लम करता ही रहे तो समझ लीजिए आपका कार्बोरेटर ख़त्म हो चुका है। तो ये इसके रीड वाल्व हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कुछ इस टाइप से इसका फिनिशिंग होता है और इसके अंदर डबल अटैचमेंट होते हैं, एक इस वाले जगह पे और एक इस जगह पे, यानी 2 पैकिंग इसके अंदर लगा होता है। तो इसको हम क्लीनिंग करेंगे और आप जिस डस्ट पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे वो यह है, यहाँ पे देखें इस तरह से जो बैठा हुआ है, और यह प्लेट खुलता है हमारा, ये जो प्लेट है ये ऊपर नीचे खुलता है, जब ये देख पा रहे हैं इसके अंदर अगर डस्ट पार्टिकल जाता है ना, ये देखिए इसके अंदर, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं असेंबलिंग के दौरान कैसे कैसे इसको असेंबल करना है और रेजी बॉन्ड का अप्लाई ज़रूर कर लें। तो रीड वाल्व जो होता है 2 भागों में बटा होता है, एक सिंगल भाग इसका यह है जिसको मैंने परफेक्टली तरीके से क्लीनिंग कर लिया है। अब इसके ऊपरेले सिरे पे भी रेजी बॉन्ड का अप्लाई करेंगे, तो रेजी बॉन्ड का देख पा रहे हैं कम्प्लीटली अप्लाई कर चुके हैं। अब इसको चलिए फिनिशिंग के साथ अप्लाई करते हैं। एक इसके ऊपर पैकिंग रहेगा और इसके बैक साइड पर एक पैकिंग रहेगा, आप एकदम फिटिंग के समय याद रखें। तो इसमें देख पा रहे हैं रेजी बॉन्ड का एकदम अप्लाई कर लिए हैं अच्छे तरीके से। अब चलिए इसको असेंबलिंग कर लेते हैं परफेक्ट, इसी तरह से आप चिपका दें ताकि पैकिंग वगैरह से कहीं से भी ईयर ना ले सके। और इसको लगा देने के बाद, ये सारे स्टेप यूज करने के बाद हमें नहीं लगता कि कभी भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट लगाते हैं और आपको फाइनल गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। एक पॉइंट बना होता है यहाँ पर, इस वाले सिरे को ऊपर रखें, ये भी बता देना ज़रूरी है, ये वाले ऊपर रखें। चलिए असेंबल करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसको असेंबल करके परफेक्टली तरीके से टाइट कर दिया है। अब इसको लगाने के बाद किक का अप्लाई जरूर कर लें ताकि इसके लाइन क्लीन हो जाए। चलो छोड़, तो मैंने किक का अप्लाई कर लिया। अब चलिए इसके कार्बोरेटर को फटाक से असेंबल करके डायरेक्ट गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके कार्बोरेटर को असेंबल कर दिए हैं, अब क्या करेंगे इसके जो है अभी एयर फिल्टर को असेंबल नहीं करेंगे जब तक ये पता ना चल सके कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बैक साइड पे यहाँ पे उंगली रखेंगे और चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है या फिर इसके स्पार्क प्लग हेड का इसके जो क्लीनिंग करना पड़ेगा या फिर से इसके एग्जॉस्ट खोलना पड़ेगा। तो चलिए किक का पहले अप्लाई करते हैं, ये सारा स्टेप यूज करने के बाद जनरली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, करंट वगैरह प्रॉपर हो जब। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उंगली रखना और उसके बाद आपको किक का अप्लाई करना है। मारो, तो सारी चीज़ों को असेंबल कर देते हैं, आप आपको गाड़ी को स्टार्टिंग दिखाते हैं, एकदम स्मूथली गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी। चलो स्टार्ट करो, बिना एक्सेलरेशन किए गाड़ी हमारी स्टार्ट है एकदम टॉप क्लास। फिर से एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं, फिर से स्टार्ट करो,
एकदम इजीली स्टार्ट है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो अच्छे से टॉपिक लेकर। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सारे स्टेप यूज कीजिए, रेड वाल्व क्लीन कीजिए, कार्बोरेटर क्लीन कीजिए, स्लो जेट, मेन जेट, करंट, और इसके कंप्रेशर रिलेटेड कोई इशू नहीं होता है। तो यही सारे स्टेप यूज करने के बाद प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। पिकअप प्रॉब्लम चाहिए क्लच शू या फिर किक रिजिड से आप उलझे हुए हैं तो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।